जय हिंद। प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस रो समस्त छात्र छात्री मान को आज फ्रेश क्लास को समस्त को स्वागत करछि। तो आज क्लास रे आम पॉलिटिकल साइंस रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन को आलोचना करबा ठीक अछि। तो जहाँ कि रोचे आम पॉलिटिकल साइंस रो कोर पेपर वन लो यूनिट टू ठीक अछि। तो निज निजर सिलेबस अनुजाई यूनिट टू टी कौन अच्छा समस्त तुमने जानिथिबो ठीक अछि। तो आम साधारणत यूनिट टू टी होछि आमर से विषय तो तार ना होछु कौन रे ना हाँ ठीक हेलो हाँ। तो आम राजनैतिक सिद्धांतर समालोचनात्मक और सामयिक चिंताधारा तो यही विषय आज आम किसी एमसीक्यू प्रश्न को आम आलोचना करने जाऊे। तो जो भी छात्र छात्री मैंने टॉपिक उपर इंटरेस्टेड होती से भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यटन देखापी मोर अनुरोध मात्र अल्प समय भितर आम सारीदेबू मात्र तुमको ये 10 क्वेश्चन थी ठीक अच्छे। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिए कौन देख नारीवाद बा फेमिनिज्म शब्द को सर्वप्रथमे क्यों दार्शनिक व्यवहार करते जहाँकि सठिक उत्तर हम चार्ल्स फेरियर ठीक अच्छे। वर्तमान आम दुई नंबर प्रश्न को देखा नारीवाद सपक्ष में निम्नलिखित केतटी ग्रहणजोग्य होता है। तो ये दुई नंबर पे सठिक उत्तर कौन हम ना पितृ प्रधान समाज को विरोध ठीक अच्छे। ये हूँ कौन ना गोटे ग्रहणीय मत नारीवाद सपक्ष में। वर्तमान आम तीन नंबर प्रश्न को देखा तीन नंबर प्रश्न देख कौन कही नारीवादर केउटी मौलिक नीति नुहे। तो ये तीन नंबर पे आम जब ऑप्शन गुड़ा सब देखा तो ये ऑप्शन भर कौन हम ना लिंगगत वैषम्य को समर्थन। चार नंबर प्रश्न को देखा विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ ह्यूमन ऑफ वोमन माने ओमेन ठीक अच्छे पुस्तक रचयिता किए। तो चार नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना कौन रे हाँ देख गोटे अच्छी तम थाड़े जे मैरी ओल्टन क्राफ्ट यारी ओल्टन क्राफ्ट होती विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ ह्यू ऑफ द राइट ऑफ ओमेन पुस्तक रचयिता ठीक अच्छे। वर्तमान आम पांच नंबर प्रश्न को देखा पांच नंबर प्रश्न देख कौन कही निम्नलिखित लक्षण मध्य नारीवादर केउटी लक्षण नुहे कौटी नारीवादर लक्षण नुहे पचार। तो ये कौन हम नारीवादर लक्षण नुहे तो पांच नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना हाँ लिंगगत भेदभाव ठीक अच्छे। जदि देखिए आम लिंगगत भेदभाव ये जो कौन नारीवादर गोटे लक्षण नुहे किंतु जदि देखा जे पुरुष प्राधान्य समाज को विरोध ये भी गोटे हम पुरुष मान सहित सामान अधिकार हाँ ये तो हूँ कौन नारीवादर मत सपक्ष सामान स्थित ये भी हम कि देख लिंगगत विभेदता लिंगगत वैषम्यता अलग अलग जो आम जो ठीक अच्छे जो सेक्सुअल डिविजन आम जो कही थाऊपर आम सात छः नंबर प्रश्न देखा उदारवादी नारीवादर प्रवक्ता किए। तो छः नंबर सठिक उत्तर कौन हम हाँ छ नंबर सठिक उत्तर से हम मैरी ओल्टन क्राफ्ट ठीक अच्छे यहाँ ही सठिक उत्तर होपर आम छ नंबर पर सात नंबर प्रश्न को देखा जे उत्तर आधुनिकतावादर आद्य प्रवक्ता किए। सात नंबर सठिक उत्तर हम फेडरिक नीट्से कौन हम फेडरिक नीट्से यार सठिक उत्तर हो। वर्तमान आम आठ नंबर प्रश्न को देखा जे जाग्रत ओ जुक्तिशील चिंताधारा जहाँ सामाजिक आर्थनैतिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विविध एवं बहुलतावाद को समर्थन करे ताको कौन बोली कहा जाए। तो आठ नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना उत्तराधुनिकवाद ठीक अच्छे। तो ताको उत्तराधुनिकवाद बोली कहा जाए। वर्तमान आम नौ नंबर प्रश्न को देखा जे विज्ञान और कारीगरी कौशल को गुरुत्व देवा सहित सांस्कृतिक पारंपरिक और धार्मिक विविधता को उपेक्षा करथिया तत्व को कौन बोली कह जाए। तो नौ नंबर सठिक उत्तर कौन हम ना आधुनिकतावाद ठीक अच्छे आधुनिकतावाद यार सठिक उत्तर हो ठीक अच्छे। तो आउ प्रश्न ना आउ जहाँ भी सब अच्छे दुई मार्किया जमती सर्ट क्वेश्चन भी अच्छी जे आमर कौन अच्छी हाँ सर्ट क्वेश्चन अनेक सारा सर्ट क्वेश्चन अच्छे जमी ओमान इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक रचयिता किए ठीक अच्छे। तो एमती सारा बहुत सारा प्रश्न अच्छे नारीवाद बा फेमिनिजम शब्द को प्रथम किए बाहर करते जो मतवाद महिला मान स्वाधीनता और अधिकार सपक्ष में जुक्ति उपस्थापन कैक कौन बोले नारीवाद बोली कहते हैं एमती प्रश्न अच्छे आम आपको आलोचना करवा। तेणु आज क्लास में एक नंबर नौ नंबर मात्र नौटी प्रश्न को एमसीक्यू प्रश्न को आलोचना कलु यूनिट टू विषय जो मैंने भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यटन देखिथे से बुझीपारे आसंता क्लास में आम कर पेपर वन लो ठीक अच्छे यूनिट थ्री को आम आलोचना करवा। तेणु से पर्यटन चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए अल्ल नोटिफिकेसन को प्रेस कर देथिबो।